मैं एक बात एक बात जोड़ देना चाहता हूँ कि जैसे महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, महिला बिल आना चाहिए, ये चाहिए वाली बातें ट्रांसलेट कब होती हैं सर? ये होना चाहिए, जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं आ रहा है सर? तो कैसे बात बनेगी? अगर मैं अपनी बात ही नहीं रख सकता सर तो कैसे बात बनेगी? नहीं तो आप बात रखिए ना सर। मैं बात तो ये है कि एक अगर आदमी 10 रुपए कमा रहा है उसकी जेब में 15 से 20 रुपए है, और ये आज की स्थिति नहीं है, पिछले 60 सालों से यही स्थिति हिंदुस्तान में रही है, क्योंकि वो कर नहीं देता है और इसीलिए आराम से खर्चा कर। ये बड़ा गजब पॉइंट दिया मान अग्रवाल सर आपने, ये आज की स्थिति नहीं है, ये 60 साल से यही स्थिति थी। आज भी मार्केट में अमन अग्रवाल साहब ये गुहाटा कुर्ता साहब से समझने जाना पड़ेगा कि हालात ऐसे नहीं कि कोई बहुत ज्यादा कराह के हिसाब से बदल गए हैं, पहले भी कराह रहे थे लोग, आज भी कराह रहे हैं सब। आज कोरोना के बाद, महामारी के बाद स्थिति और भी गंभीर हो। आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गोदाम में गेहूं चावल आप बांटना तो शुरू किया, मगर और भी बाकी ना, आप गरीब के बैंक का खाता में जनधन योजना में आप पैसा दे रहे हैं, आप किसी को 6,000 रुपये देते और भी दीजिए। ये जो असंतुलन है अमीर और गरीब के बीच, आपका हिम्मत है जो राजनीतिक दल का पार्टी का पैसा आता है इलेक्ट्रल बॉन्ड से, जिन लोगों पैसा देते हैं उनके ऊपर आप कर बढ़ाइए, आयकर बढ़ाइए, आपका राजनीतिक इच्छा शक्ति है? आप महंगाई कम करने के लिए आप डीजल में एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी, तो फिर एक काम करते हैं ना सर। नहीं प्रंजय साहब, ये जो आप कह रहे हैं और दीजिए, तो इसी तरह से मिलना है सर, तो इतना काम कोई भी काम क्यों करेगा सर? वो घर बैठेगा अपने आप गरीब होगा सर, बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा अपने आप, उसकी स्थिति वहां पहुंच जाएगी, घर बैठे पैसे मिलेगा सर, ये तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। दिनेश जी आपके साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप क्या समझे सब लोग गरीब है क्योंकि आलसी है? नहीं सर, क्या सब लोग क्या नहीं, तो इससे तो प्रोत्साहन मिलेगा क्या? अगर घर बैठे आवश्यकता से ज्यादा रकम आप देने लगेंगे तो उससे उनको काम करने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा क्या? आप सुनने चाहेंगे तो मैं हाँ बताइए ना सर, ये जिज्ञासा है सर, मैं तो आपके सामने रख रहा हूँ, आप सुनाइए सर। आप स्वास्थ्य के लिए कितना खर्च कर रहे हैं, शिक्षा के लिए कितना खर्च कर रहे हैं? हमें शर्म आता है, आप आर्थिक महाशक्ति बनने चाहते हैं? अब हर देश में देखिए बांग्लादेश क्यों आगे बढ़ गया हमारा, क्योंकि वो शिक्षा में खर्च कर रहे हैं, स्वास्थ्य के स्वास्थ्य में खर्चा कर रहे हैं। आप खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, किसके लिए आप खर्चा करेंगे? गरीब के लिए खर्चा करना चाहिए, अमीर वालों के लिए नहीं। तो महंगाई को मार जो आ रहे, जो लोगों का जेब का जो आप काट रहे, मध्य वर्ग का, गरीब का, उसका कुछ एक हिस्सा आप स्वास्थ्य में खर्चा कीजिए, शिक्षा में खर्च कीजिए, लोग प्रवासी मजदूर सर, सवाल यह है कि पेंडोरा लीक का क्या करेंगे? पेंडोरा वाली बातें भी तो देखनी पड़ेंगी, टैक्स कितने लोग दे रहे हैं ये भी तो देखना पड़ेगा सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।